एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। मैंने कहा, नानी देखो, मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप! वह इतनी घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है, तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार, फिर कभी सांप के पास मत जाना। सांप बहुत खतरनाक होता है। उसी दिन शाम को मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया। बड़ी जोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से कराहते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा। जहां बर ने काटा था, वहां नीला निशान पड़ गया था। वह चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। वहां पहुंचते ही उन्होंने आवाज लगाई। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूंक कर दो। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं बर ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता, वह डांट कर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां आ पहुंची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था, फिर भी मुझे वहां जबरदस्ती बैठकर झाड़ फूंक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वह नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए, बड़े जहरीले सांप ने काटा था। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें भेंट में भेजी।